Thank you very much for giving me a wonderful opportunity. Respected teachers and dear my friends and Islamic scholar, especially Alim Nabil Fazil Jalil Hazratul Allam Hazrat Allama Maulana Ziaul Mustafa Naimi and Alim Nabil Fazil Jalil Hazrat Allama Maulana Qasim Al Qadri and Qari Ishaq Sahab Qibla and Israful Sahab Qibla. Muazzaz Samini Kiram, Nazirini Kiram, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Today my topic is Shani Mustafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah illadhi abda'al aflaq wal ardin wassalatu wassalamu ala man kana nabiyyan wa adamu bainal ma'i wattin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa rafa'na fawqakum darajat sadaqallah sadaqallahul azim. मोहब्बतों के साथ प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, जमाना जानता है शीशे के घर में रहते हो। जोर से बोले, जोर से। जमाना जानता है शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और मकाम उनका न अरशे बरी न फर्शे जमी। मकाम उनका न अरशे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं और मेरे दिल में रहते हैं, मेरे जिगर में रहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, मेरे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं वो अपने घर में रहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, मेरे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं वो अपने घर में रहते हैं। और आगे शायर कहता है कि यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे। इश्क वाले यकी वाले प्यार वाले मोहब्बत वाले यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे। और मैं ये भी खुलासा कर दूं, कौन है यकी वाले, कौन है यकी वाले? अबू बकर हैं यकी वाले, उमर हैं यकी वाले, उस्मान हैं यकी वाले, अली के मुर्तजा हैं यकी वाले। यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे, अब ये भी देखे कहां से चले कहां पहुंचे। यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे, अबू बकर ने यकी किया तो सिद्दीक अकबर बन गए। जोर से, जोर से। अबू बकर ने यकी किया तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर ने यकी किया तो फारूक आजम बन गए, उस्मान ने यकी किया तो ज़ुल्लुरैन बन गए, अली ने यकी किया तो शेर खुदा हैदर कर्रार बन गए। और आगे चले, खालिद बिन जैद ने यकी किया तो अबू अय्यूब अंसारी बन गए। और आगे चले, और आगे चले, तवज्जो के साथ सुने, नुमान बिन साबित ने यकी किया तो इमाम आजम अबू हनीफा बन गए, मोहम्मद मुस्लिम बिन हज्जाज ने यकी किया तो इमाम मुस्लिम बन गए। और आगे चले, बगदाद की सरजमीन पर अब्दुल कादिर ने यकी किया, अब्दुल कादिर जिलानी ने यकी किया तो पीरों के सरदार बन गए, वलियों के सरदार बन गए। और आगे चलिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज ने यकी किया, ख्वाजा गरीब नवाज ने यकी किया तो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। और आगे चलिए, दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन ने यकी किया तो दिल्ली के राजा बन गए। और आगे चलिए, गलियर की सरजमीन पर अलाउद्दीन ने यकी किया तो साबिरों के शहंशाह बन गए। और आगे चलिए, बरेली की सरजमीन पर, बरेली की सरजमीन पर अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा खान ने यकी किया तो सुन्नियों के इमाम बन गए। और आगे चलिए, और आगे चलिए, बरेली की सरजमीन पर अख्तर रजा ने यकी किया तो
यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे, इश्क वाले कहां से चले कहां पहुंचे। और जो अहले शक हैं अगर मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर मगर में रहते हैं, ऐ हुस्ने तखय्युल तेरी परवाज के सदके, ऐ हुस्ने तखय्युल तेरी परवाज के सदके, रहते हैं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, रहते हैं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी गुफ्तगू को, जिसने भी जिसको भी नबी से निस्बत होती चली गई वो जमाने में मुमताज होता चला गया। अल्लाहु अकबर, ये तो इंसानों की बात है, ये तो उन लोगों की बात है जो अफजलुल मखलूक है। इंसान इंसान तमाम मखलूकों में सबसे अफजल है। मुस्तफा से निस्बत हुई तो अफजल हो गई, मुमताज हो गई। और आगे चलिए, नबी से जिस चीज को भी निस्बत होती चली गई, मेरे नबी की शान ऐसी है, जिस चीज को भी नबी से निस्बत होती चली गई वो जमाने में मुमताज होता चला गया। लकड़ी को मेरे नबी से निस्बत हुई तो लकड़ी लकड़ी मुमताज हो गई। पत्थर को मेरे नबी से निस्बत हुई तो हजरे असवद बन गया। पत्थर को मेरे नबी से निस्बत हुई तो सारी दुनिया के पत्थर एक तरफ और हजरे असवद एक तरफ। और आगे चलिए, कबूतर को मेरे नबी से निस्बत हुई, सारे परिंदे एक तरफ लेकिन कबूतर एक तरफ। और आगे चलिए, कीड़े मकोड़ों को नबी से निस्बत हुई तो मुमताज हो गए, मकड़ी मुमताज हो गई। और आगे चलिए, ऊंटनी को नबी से निस्बत हुई, ऊंटनी मुमताज हो गई। अरे ये तो जानवर है, लेकिन देखिए जमीन को मेरे नबी से निस्बत हुई, जमीन को मिट्टी को मेरे नबी से निस्बत हुई तो मिट्टी मुमताज हो गई। बरेली के आला हजरत रुकार उठे, जर्रे झड़कर तेरी पैसा रोके, जर्रे झड़कर तेरी पैसा रोके, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अब सुनिएगा, मिट्टी को कैसे निस्बत हुई और कैसे मुमताज हुई, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह जरूर मजा आएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले आला हजरत का शेर में दोबारा से कह देता हूँ, जर्रे झड़कर तेरी पैसा रोके, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जर्रे का माना जो मिट्टी के कतरात होते हैं, जो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको जर्रे कहते हैं, सैयारा आसमान के सितारों को कहते हैं, पैसार पैसार पावे मुबारक को कहते हैं। अब शेर सुनिएगा इंशाल्लाह, गुफ्तगू आगे सुनिएगा इंशाल्लाह मजा आएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, अस्हाबे सुफा के चबूतरे से मेरे नबी ने गुलामों से फरमाया, ओ गुलामों बताओ, जब तुम जमीन पर चलते हो तो तुम्हारे कदमों से जो मिट्टी के जर्रात लगते हैं वो कहां चले जाते। नबी ने फरमाया, ओ गुलामों बताओ, जो तुम्हारे कदमों से मिट्टी के जर्रात लगते हैं वो कहां चले जाते हैं। सिहाबा अर्ज करते हैं, ए आमीना के लाल, ए अब्दुल्ला के बेटे, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सु दुहा, या रसूल अल्लाह, हमारा हाल तो ये है, हमारा मामूल भी यही है, या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पर चलते हैं, जब हम मदीने की गलियों में चलते हैं, जब हम मक्के की गलियों में चलते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे कदमों से जो मिट्टी के जर्रात लगते हैं, जब हम कदम उठाते हैं तो ये गिर जाते हैं, दूसरा कदम उठाते हैं तो उसके गिर जाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा हाल तो यही है, हमारा मामूल भी यही है, यही उर्फ है, यही मुशाहिदे में है, यही मुजाहिरे में है, यही मुहासिबे में है, जब हम चलते हैं तो हमारे कदमों से जो मिट्टी के जर्रात लगते हैं या रसूल अल्लाह वो गिर जाते हैं। मगर तुम्हारा और मेरा नबी बोला, आमीना के लाल बोले, मुस्तफा जाने रहमत बोले, शमे बज़्मे हिदायत बोले, काबे के बद्रुद्दुजा बोले, अल्लाह के हबीब बोले, सरफरे कायनात बोले, फखरे मौजूदात बोले, फातिमा के बाबा बोले, हसन और हुसैन के नाना बोले, सिद्दीक के आका बोले, आमीना के लाल बोले, ओ गुलामों सुनो, जब तुम जमीन पर चलते हो तो तुम्हारे कदमों से जब मिट्टी के जर्रात लगते हैं वो तो जमीन पर वापस गिर जाते हैं, लेकिन सुनो, रब ने तुम्हारे नबी को वो शान अता फरमाई है, तुम्हारे नबी को वो मकाम अता फरमाया है। मेरे गुलामों सुनो, जो मेरे कदमों से मिट्टी के जर्रात लगते हैं मौला उनको जमीन पर वापस नहीं आने देता। तो अबू बकर बोले, उस्मान बोले, अली के मुर्तजा बोले, सिहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, तो फिर वो मिट्टी के जर्रात कहां चले जाते हैं। तो मेरे आका बोले, ओ गुलामों सुनो, उनका मकाम यह हो जाता है, जो मिट्टी के जर्रात मेरे कदमों से लग जाते हैं मौला उनको जमीन पर वापस नहीं आने देता, बल्कि उनको आसमान के तारों का ताज बना देता है। अरे इसीलिए तो
सर्रे झड़कर तेरी पैसा रोके राजे सर बनते हैं सैयारों के। और आगे फरमाते हैं तुम्हारे नबी की शान में मेरे आका का दर है वो जिस पर माथे घिजाते हैं सरदारों के, माथे घिजाते हैं सरदारों के। ये तुम्हारे नबी का मकाम है, ये तुम्हारे नबी की अजमत है, ये तुम्हारे नबी की शान है, ये तुम्हारे नबी का मकाम है कि जिस चीज को भी नबी से निस्बत होती चली गई वो जमाने में मुमताज होता चला गया, वो पूरे फील्ड में मुमताज होता चला गया, कायनात में मुमताज होता चला गया। और सुने अपने नबी की शान, और सुने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान। हुसैन से कुबरा की हदीसे पाक है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत इब्ने अब्बास नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं इब्ने अब्बास قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك في المهدي تناجي القمر وتشير الي اصبعك فحيث اشارت الي ما لا قال اني كنت احدثه فيحدثه محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ حدیث سنے ترجمہ سنے انشاءاللہ پھر تک इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए तवज्जो के साथ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपकी उम्र 40 दिन की थी, कितने 40 दिन की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने देखा रायतु का फिल महदी के आप पालने में थे, या रसूल अल्लाह मैंने देखा आप 40 दिन के थे, या रसूल अल्लाह आप अंगूठे मुबारक आसमान के चांद की तरफ थी, या रसूल अल्लाह आपके अंगूठे मुबारक से चांद कभी दाएं घूम रहा था, चांद कभी बाएं घूम रहा था, या रसूल अल्लाह 40 दिन के थे आप, या रसूल अल्लाह चांद से खेल रहे थे। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुने तवज्जो के साथ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप 40 दिन के थे, या रसूल अल्लाह चांद कभी आपके अंगूठे मुबारक से कभी दाएं घूम रहा था कभी बाएं घूम रहा था, या रसूल अल्लाह क्या आपको वो वक्त मालूम है, या रसूल अल्लाह क्या आपको वो वक्त मालूम है। नबी की शान सुने, 40 दिन का कितना बड़ा बच्चा होता है, अल्लाह अकबर, 40 दिन का क्या, जबकि बचपन के उसको कुछ हालात मालूम नहीं होते हैं, यहाँ तक कि हम हमारा हाल तो ये है कि शाम की खाते हैं तो सुबह को बता नहीं पाते हैं कि हमने क्या खाया, लेकिन अपने नबी की शान सुने, अपने नबी का मकाम सुने, और मेरे टॉपिक को अपने जहनों में लेते चले जाइएगा। तो बच्चों के साथ सुने, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप 40 दिन के थे, क्या आपको वो वक्त मालूम है। नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, सुनो मैं क्या तुमको ऐसी बात ना बता दूं जो ये तो 40 दिन की बात है, बल्कि ये तो दुनिया में आने से मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं जो मेरे दुनिया में आने से पहले की हो, क्या मैं तुमको ऐसी बात ना बता दूं जब मैं अपनी माँ के शिका में अधर में था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्यों ना, या रसूल अल्लाह बताइएगा, या रसूल अल्लाह ताज्जुब में पड़ जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सुनो, ये तो मेरी बचपन की बात है, ये तो दुनिया में आने की बात है कि चांद से मैं खेल रहा हूँ, सुनो मेरा मकाम तो यह है जब मैं अपनी माँ के शिका में अधर में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरा हाल ये था कि मैं अपनी माँ के शिका में अधर में लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की नोक की आवाज की चरचराहट को समाप्त कर लिया गया था। मेरा मकाम तो यह है, मेरी अजमत तो यह है कि मैं अपनी माँ के पेट में लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करता था। मेरा मकाम तो यह है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सुनो, सिर्फ यही नहीं बल्कि लोहे महफूज पर जब कलम चलता था और जिनकी तकदीरें लिखी जाती थी, जिन गुलामों की तकदीरें लिखी जाती थी, उन गुलामों के चेहरे भी मुझको दिखा दिए जाते थे, ए मेरे हबीब ये फुला आपका गुलाम है, ये फुला आपका गुलाम है। अल्लाह अकबर, अब ज़ियाउल मुस्तफा नईमी को कहने दीजिएगा, अरे वो मुस्तफा जाने रहमत जब अपनी माँ के शिका में अतहर में अपने गुलामों को देख सकते हैं, तो मेरा दावा है कि मदीने में रह करके अपनी कब्र अनवर के अंदर हम गुलामों को भी देख रहे हैं कि मुरादाबाद की सरजमीन पर कुछ गुलाम ऐसे हैं जो
ऐसे हैं जो मेरा मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये है तुम्हारे नबी की शान, ये है तुम्हारे नबी का मकाम। कहने का मतलब ये है तुम्हारे नबी की अजमत बड़ी रिफत वाली है, तुम्हारे नबी की अजमत बड़ी शान वाली है, और तुमको भी मेरे नबी से निस्बत हो गई है। तुम भी बड़े शान वाले हो, तुम भी बड़े शान वाले हो, इसलिए कि कुरान फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ लोगों तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो बेहतरीन उम्मत का हक अदा कीजिए। हमको चाहिए कि नेक आमाल करें और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तराने अपनी जुबानों पर हम वक्त रखें, नबी का तज़किरा अपनी जुबानों पर हमेशा रखें, नबी की नातें हमेशा गुनगुनाते रहे, नबी की सुन्नत को हर वक्त अदा करते रहे, नबी की बताई हुई बातों पर हर वक्त अमल करते रहे। इंशाअल्लाह जब नबी की बातों पर जब हम अमल करते रहेंगे, नबी के तरीके पर जब हम अमल करेंगे, तो याद रखो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।